हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा जैजनेन। आज फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग 2 बजे के बाद स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के लंच के लिए। और क्योंकि आज स्पेशल बनाना है मुझे लंच में, तो आज मैंने सोचा क्यों ना बड़ा पाव और बर्गर बनाया जाए, तो उसकी तैयारी में लग रही थी। जो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने नारियल का चूरा थोड़ा भूना सा है, उसके बाद मैं लहसुन भून रही हूँ। ये उसका मसाला है बड़े पाव का, लहसुन और ये नारियल का चूरा और लाल मिर्ची, मूंगफली। मूंगफली अगर आपके पास कच्ची है तो उसे भी भून लीजिए, मैं वैसे भुनी हुई है मेरे पास इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, रोस्टेड है पहले से ही, तो फिलहाल ये रेडीमेड थी इसलिए मैं इसे ही ले आई थी। अगर आपके पास कच्ची है तो उसे भी ऐसे भून लें। फिलहाल मेरी एक साइड लहसुन भून रही है। अब मैं ये सारा सामान लेके अपनी मिक्सी के जार में डाल दूंगी, क्योंकि इसको बारीक चूरा बनाना है फ्रेंड्स। तो चलिए मसाला तैयार होता है, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आपको बड़ा पाव बना के। फ्रेंड्स, अपना ये पीस लेती हूँ, बारीक पाउडर बना लेती हूँ और उसके बाद इसको ये इसमें नमक भी डलेगा फ्रेंड्स। मसाले पीसते टाइम आप डाल दो चाहे ऊपर से मिला दो, पिसा हुआ होता है। फिलहाल मैंने इसी टाइम मिला दिया है। और इसको आपको पता है कलर करने के लिए इसमें देगी लाल मिर्च भी गिरती है। जब इसको भूनते हैं थोड़ा सा बटर में भून के, उसमें देगी लाल मिर्च डालने से उसका वही सेम कलर आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें मेरी बन के तैयार हो चुकी है, पाउडर बन गया है। इधर देखिए, बड़े पाव में रेडीमेड लेके आई हूँ। इसके बड़े बाजार में मिल जाते हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं मिलते तो वो कभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनते हैं। फिलहाल मैं रेडीमेड लेके आई थी इस तरीके से। अब मैं इसको एक एक करके फ्राई करूंगी और उधर अपने पाव को सेकूंगी। आलू के ही है फ्रेंड्स, इसमें बनाने में भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ी जल्दी है, दो दो चीज़ दिखानी है आपको, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये आज रेडीमेड चीज़ से ही बना के दिखाऊं। मिल जाते हैं आराम से बाजार से। चलिए फ्रेंड्स, इसे धीमी आंच से सेक लेती हूँ मैं। इधर ये सीखेगा फ्रेंड्स, और उधर मैं अपने बड़े ये इसका जो पाव होता है उसको भी सेक लूँगी थोड़ा सा धीमी आंच से, वो भी अच्छा लगेगा। करारा करारा सा जब हो जाता है तभी इसको। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें गर्म ही गर्म अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा सुबह ज़्यादा, अगर आपको पता है सबके नाश्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन एक लंच ऐसा होता है कि जो हम सब साथ ही मिलके करते हैं। तो फिर बस यही मेरे मन में आया कि जब मैं ये सब तैयार होंगे इस चीज़ के लिए तभी मैं एक बार में ही बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरे ये भी सिक्के तैयार हो चुके हैं। इसमें अपने 2 और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है बेटा भी मेरा कहने लगे कि मम्मी मेरे को भी दे दो हाथ क्या। अभी वो थोड़ा उधर की साइड किसी काम से, कुछ काम रह गया उसका, उस करने के लिए लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए धीमी आंच से सेक लीजिए। बहुत जल्दी सिकते हैं ये, तो इसलिए आज को हो सके तो बिल्कुल धीमी रखिए। ये मेरे सिक्के तैयार हैं फ्रेंड्स। उधर मैं अपने ये क्या कहते हैं बाद में आपको दिखाऊंगी, इसके साथ साथ पहले ये तैयार करके दिखाऊंगी कि बड़ा पाव कैसे बनता है। और आपको पता है ये कहाँ की मशहूर रेसिपी है, सब इसके नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ है। मैं शिरडी गई थी फ्रेंड्स, तो वहाँ भी बड़ा पाव बहुत फेमस है और एक हरी मिर्ची के साथ मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची करी नहीं बच्चों के लिए ट्राई, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही है, हरी मिर्ची वगैरह कम लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ तैयारी। चलिए फ्रेंड्स, बड़े मेरे सिक चुके हैं खूब करारे करारे। अब मैंने नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया है, इसमें सबसे पहले मैंने बटर का यूज़ किया है फ्रेंड्स, क्योंकि बटर पे फ्लेवर कुछ अलग ही निखर के आता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बटर नहीं है कोई बात नहीं, हल्के से घी से भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए देसी घी या बटर का यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसका स्वाद और अच्छा आएगा। और अगर नहीं हो तो फिर आप कोई भी जो भी आप तेल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये फटाफट ये पाव सेकते हैं। पाव को मैंने बीच में से 2 पीस में कर लिया है, ऐसे लंबाई में रखा है मैंने, और इसको धीमी धीमी आंच से थोड़े करारे करारे सेकते हैं। तवा ऑलरेडी पहले ही बहुत गर्म हो चुका है, तो इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगी शुरू। ये बनने में टाइम तो लगता नहीं, इसलिए मैं यही सोची थी कि ये दोपहर को ही करूँगी, जिससे सब लोग आराम से खा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाती हूँ फटाफट, फिर आपको दिखाती हूँ बड़ा पाव कैसे बन के तैयार होता है। पाव सिक्के तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस पे मसाला लगाया है दोनों पाव पे, ऊपर नीचे दोनों साइड। खूब अच्छी तरीके से मसाला लगा लीजिए, और ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपने ये बड़े सेके हैं उनको इस तरीके से लगाइए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से पुश कर दीजिए अच्छी तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, मेरे बड़े पाव बन के तैयार है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको 2 पीसों में कर दूंगी। अब मैं फिलहाल इनको पहले ये देख के आती हूँ, उसके बाद मैं बर्गर की तैयारी करती हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, बर्गर के लिए फिलहाल मैंने जल्दी से टिक्की डाल दी है इसमें फ्राई होने के लिए, क्योंकि इधर इनके बड़े पाव खा रहे हैं, उधर मैं इनको हाथ के हाथ एक बर्गर भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि इनका ऐसी है फ्रेंड्स, इन्हें जाना भी है जल्दी, इसलिए मैंने ही स्पेशल दोपहर को बच्चों के लिए और इन सब के लिए ये प्रोग्राम रखा। चलिए फ्रेंड्स, मेरे इधर बर्गर भी सिक्के तैयार हो रहे हैं, इधर मेरी टिक्की सिक रही है। जब दोनों अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाना है इसको। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बर्गर मेयोनीज लगाई है मैंने, और दोनों पीसों में बराबर मात्रा में ये मेयोनीज लगानी है, और उसके बाद दोनों ही ब्रेडों में लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से लगानी है मेयोनीज। खूब अच्छी तरीके से लगाइए, क्योंकि मेयोनीज का स्वाद इसमें मेन है। अच्छी तरीके से मेयोनीज लगाने के बाद जो मैंने ये प्याज के स्लाइस करे हैं वो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, दो स्लाइस प्याज के और एक टमाटर का स्लाइस। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, मैंने टमाटर और प्याज का इस तरीके से स्लाइस रखा। उसके बाद मेरी टिक्की देखिए इस तरीके से करारी करारी सिक्के तैयार है, बर्गर मेरा तैयार हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों चीज़ तैयार है, मैं इनसे पूछ के आती हूँ कैसे बने जल्दी से। चलिए फ्रेंड्स, इनको बर्गर भी लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा पाव इनको दे आई थी पहले ही ये खा, क्योंकि इन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी और बड़ा पाव इनके वैसे भी फेवरेट हैं। तो फिलहाल मैं इनसे पूछ रही मैंने कि कैसे बने हैं, तो कह रहे बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और मैं इनसे कह रही बताओ एक बार कैमरे के आगे बताओ कैसे बने हैं, तो कह रहे बहुत अच्छे बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारी मेहनत वसूल हो चुकी है, और आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हैं। मैंने बच्चों के लिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा चेंज करा, इसमें ये देखिए मैंने फ्रेंड्स चीज़ भी मिला लगाई है बच्चों के लिए। अगर बच्चों की इच्छा थी कि चीज़ वाले बर्गर खाने तो उनके लिए ऐसे भी बना सकते हैं। सबने बर्गर वगैरह खा लिए थे, बड़े पाव खा लिए थे, उसके बाद कुछ बाजार से सामान भी लाना था मुझको, तो हमने सोचा क्यों ना बाजार से जो मेरे को ज़रूरी सामान लाना है वो भी ले आएंगे। मेरे को एक आध कुर्ती भी देखनी थी, क्योंकि फ्रेंड गर्मी आने वाली है और गर्मियों की कुर्ती नहीं है, लेकिन मुझे कुछ डिजाइन समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सही मायने में तो अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है। बस ये था कि जो पहले का इनके पास कुर्ती वगैरह के पीस थे वही दिखाने में लग रहे थे, और लेगी भी कुछ खास कलर्स में नहीं आई हैं। मेरे ख्याल से अगले महीने तक ही सारी कुर्तियाँ वगैरह के डिजाइंस वगैरह पूरे होंगे। फिलहाल तो जो थी मैं उसमें से देख रही थी, अगर कोई पसंद आ जाए तो वो दिखा रहे थे कि एक तो फ्रेंड्स कहीं भी जाओ तो कुछ अपने लिए तो समझ में आता नहीं, सही बताएं तो अगर कोई गिफ्ट देता है तो हाँ वो समझ में आ जाता है हमको। चलिए फ्रेंड्स, बस ये तो चलता ही रहता है। फिलहाल कुर्तियों के कलर्स वगैरह बहुत सुंदर थे। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि आपसे कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।